अब तक आपने देखा कि किस प्रकार तथाचार्य रामा से पत्र लिखवाकर जगन मोहिनी को विजयनगर बुलाने हेतु विवश करते हैं और रामा को नल दमयंती नाट्य में महाराज और जगन मोहिनी को एक साथ मुख्य पात्र देने को कहते हैं। रामा को तथाचार्य की ये बात भी माननी पड़ती है। एक ओर घुंघरू रामा से प्रतिशोध लेने हेतु तत्पर है तो दूसरी ओर तथाचार्य भी रामा को मृत्यु दंड दिलवाने में उत्सुक है। अब आगे बहुत समय पूर्व भारतवर्ष के निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा नल अत्यंत ही सुंदर और गुणवान थे। एक दिन राजा नल ने अपने उद्यान में एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने राजा को एक अत्यंत ही रूपवती कन्या विद्भंग राज्य की राजकुमारी दमयंती के विषय में बताया, जिसके रूप सौंदर्य की ख्याति तीनों लोकों में फैली थी। हंस ने कहा कि राजा नल, यदि आप मुझे मुक्त कर देंगे तो मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर गुणगान करूंगा। राजा नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस को गए कुछ सप्ताह हो गए। राजा नल हर समय राजकुमारी दमयंती का ही स्मरण करते रहते। राजा नल को हंस से कोई समाचार नहीं मिला। अब उनका राजकाज में मन नहीं लगता। तो वो उदास रहने लगा। लामा, राजा नल उदास का वो तो खुश हो रहा है। राजकुमारी दमयंती को स्मरण करते हुए उदास रहने लगा। उदास उदास रहने लगा। गोविंदलु उदास हो। पंडित रामकृष्ण विश्राम। पंडित रामकृष्ण ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण और उसके परिवारजन कोई भी निवास स्थान में उपस्थित नहीं है। कोई बात नहीं, समस्त निवास स्थानम विध्वंसम। विश्राम, दिवाली की रात पंडित रामकृष्ण कहाँ जा सकता है? कुछ दिनों पश्चात हंस को अपना दिया हुआ वचन स्मरण आता है, जिसकी पूर्ति के लिए वो राजकुमारी दमयंती के पास गया। राजकुमारी दमयंती का अभिनय हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता।
हंस ने उन्हें राजा और उनके प्रताप के संबंध में बताया, जिसे सुनकर राजकुमारी दमयंती राजा नल से अत्यंत ही प्रभावित हुई और उनसे प्रेम करने लगी। राजा नल के प्रति उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वो अस्वस्थ हो गई। जब राजकुमारी दमयंती के पिता राजा भीमक को उनकी स्थिति ज्ञात हुई, बहुत पंडित रामकृष्ण ने महामंत्री जी को भी एक पात्र दे रखा है, अन्यथा वो मछलीपट्टनम चले जाते। पुत्री दमयंती, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तुम्हारे लिए भी योग्य वर ढूंढना होगा। हम महाराज प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। त्रिवर त्रिवर, आप चरित्र में रहिए, आप महाराज हैं, महामंत्री नहीं है। अब उचित है पंडित रामकृष्ण, उचित है। दमयंती, अब तुम्हारे लिए स्वयंवर रचेंगे हम, तीनों लोकों के गुणवान वरों को आमंत्रित करेंगे हम। परंतु पिताश्री, हमारे मन को तो राजा नल ही भाए, कृपया आप हमें उन्हीं से ब्याहें। दमयंती, यदि होगी राजा नल में कुछ ऐसी बात तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगा आपका साथ। आपकी भावनाओं को सहेज देते हैं हम, उन्हें भी आमंत्रण भेज देते हैं हम। महाराज, मन से प्रस्थान करने की आज्ञा चाहते हैं। अब हाँ आज्ञा है। आप महाराज से वार्तालाप क्यों कर रहे थे? आप राजा भीमक हैं, दमयंती के पिता। अरे पंडित रामकृष्ण मंच पर है तो क्या हुआ? महाराज तो महाराज ही है ना। उचित है, उचित है। अब आप जाइए, दर्शक दीर्घा में बैठे, आपका अभिनय समाप्त हुआ। परंतु हमने तो अभी अभी आनंद लेना प्रारंभ किया है। तो क्या हुआ, दृश्य तो समाप्त हो गया। तो आप हमें नल बना दीजिए। आप नल बनेंगे? हाँ। पिता हैं आप, जाइए दर्शक दीर्घा में विराजिए। उचित है पंडित रामकृष्ण। राजा नल को जब महाराज भीमक की ओर से दमयंती स्वयंवर का निमंत्रण मिला तो वो फूले नहीं समाए। उन्होंने शीघ्र ही विद्भंग देश की ओर कूच किया। मार्ग में राजा नल की भेंट राजा इंद्र से हुई, जो स्वयं भी दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने आए थे। अरे ये राजा इंद्र अभी तक क्यों नहीं आए? जीजा जी, अब क्या करेंगे? गोविंदुलु, तू थोड़ी देर इधर उधर घूम, मैं राजा इंद्र को लेकर आता हूँ। हाँ तू घूम घूम घूम। अरे इंद्रदेव, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, क्यों? इंद्रदेव की पोशाक हरे रंग की थी ना। हाँ तो अब पंडित रामकृष्णा जी, हरे रंग का पोशाक हमारे लिए शुभ संकेत नहीं लाता है। अपने विवाह के समय भी हमने ये हरे रंग का कुर्ता पहना था। कितना मनहूस दिन था जब हम प्रथम बार अपनी पत्नी से मिले थे, तब से लेकर आज तक इस दंड को हम भुगत रहे हैं। कोतवाल जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने पूछा नहीं तो इसलिए हमने बताया नहीं। पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ।
हमारी प्रियतम आनंद लक्ष्मी। महाराज ये क्या हो रहा है? धैर्य रखे महारानी जी, पंडित रामकृष्ण ने यदि इस नाटक का निर्देशन किया है तो कुछ न कुछ विचित्र तो होना ही था। अनंत लक्ष्मी ये क्या कर रही हो? हम एक दूसरे के लिए बने हैं राजा नल। हाँ अनंत लक्ष्मी। दमयंती 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 बोल गोविंदुलु। हाँ दमयंती। महाराज ये नाटक गलत हो रहा है। राजा नल राजकुमारी दमयंती से सर्वप्रथम अपना प्रेम प्रकट करने हेतु नहीं अपितु इंद्र का दूत बनकर मिले थे। शांत हो जाइए महारानी चिन्ना देवी, देखिए ना कितना आनंद आ रहा है। ये संसार वाले हमें मिलने से नहीं रोक सकते। हमारा विवाह होकर रहेगा। मुझे तुमसे विवाह करना है, मुझे मेरे जीजा जी जैसे बुद्धिमान बनना है। महाराज ये नाटक गलत हो रहा है, राजा नल के तो कोई चीजा थे ही नहीं। जी हमें भी होगा महारानी चिन्ना देवी, तो पंडित रामकृष्ण ने इसका निर्देशन किया है ना, त्रुटि कैसे हो सकती है? महाराज त्रुटि अवश्य हो रही है। महामंत्री जी। महाराज महामंत्री जी, राजकुमार नल का कोई चीजा था कि नहीं? महाराज जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके माता पिता भाई बहन मामा मामी चाचा चाची अर्थात बहुत से रिश्तेदार होते हैं, तो इस तर्क के आधार पर हमें अवश्य लगता है कि राजा नल के जीजा अवश्य होने चाहिए। मतलब हमें ऐसा लगता है महाराज। परंतु तो महामंत्री जी राजा नल का जीजा था कौन? गुरुवर से पूछिए। गुरुवर राजा नल के जीजा कौन थे? पंडित रामकृष्ण। महाराज ये तो पंडित रामकृष्ण बोल रहे हैं। अर्थात ये उत्तर तो गुरुवर ने ही दिया। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी तुम्हारे भ्राताश्री भी नहीं? नहीं। कितना प्रेम प्रसंगित नाटक है ये। अनंत लक्ष्मी कह दो कि तुम मेरी हो। हम अब बोल भी दो अनंत लक्ष्मी, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जोर से बोलो जय माता दी। हम सिर्फ तुम्हारे हैं गोविंदलू। इन दोनों ने तो पूरे नाटक का सत्यानाश कर दिया। गुरुवर तो मेरे प्राण हर लेंगे। ईश्वर करो। पंडित रामकृष्ण तुमने तो हमसे कहा था कि नाटक के किसी दृश्य में अनंत लक्ष्मी और गोविंद एक दूसरे के समक्ष नहीं होंगे। क्षमा कर दीजिए गुरुवर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उन दोनों ने किया है, मैं इसका उत्तर चुप। हम अभी जाकर मंच पर सबको बता देते हैं कि तुमने राजकुमारी जगनमोहिनी को महाराज के नाम से झूठा प्रेम पत्र लिखा था। नहीं गुरुवर ऐसा मत कीजिए। बहुत समय दे दिया पंडित रामकृष्ण तुमको, अब तुम हमें और मूर्ख नहीं बना सकते। गुरुवर मेरी बात सुनो, प्रथम खंड समाप्त हो चुका है, द्वितीय खंड नल दमयंती स्वयंवर है जिसमें महाराज नल और राजकुमारी जगनमोहिनी दमयंती बनेंगी। आपने नाटक का प्रभाव तो देखा ही, जरा सोचिए जब महाराज और जगनमोहिनी नल और दमयंती का अभिनय करेंगे तब क्या होगा। उचित। पर ये जो भी हुआ है
बहुत गलत हुआ है। हम इसका हिसाब भी तुमसे लेकर रहेंगे पंडित रामकृष्ण। ये विचित्र से प्राणी कौन है? हमारे राज्य के तो प्रतीत नहीं होते। चलो देखते हैं। विश्राम, आप लोग कौन है? जी हम यात्री हैं। आपका विजयनगर राज्य में स्वागत है। आभार जी। हम बड़ी दूर से आए हैं दिवाली के शुभ अवसर पर पंडित रामकृष्ण को शुभकामनाएं देने, दिवाली की शुभकामना। किंतु उनके घर पे गए थे हम, कहीं दिखाई नहीं दिए। पंडित रामकृष्ण जी निवास पर कहाँ मिलेंगे? तो वो तो राजमहल में है। दिवाली के उत्सव पर उन्होंने नव दमयंती नाटक का मंचन किया है, हम भी वही देखने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। जी उचित है। आइए जी। चलिए आइए। परिवर्त पकप्रायण। धन्यवाद। प्रथम खंड समाप्त हुआ। महाराज अब मैं नाटक का दूसरा खंड अर्थात नल और दमयंती के स्वयंवर को आरंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। परंतु पंडित रामकृष्ण जी, ये दमयंती स्वयंवर में तो देवताओं ने दमयंती को व्याकुल करने के लिए राजा नल का रूप धर लिया था, और जब दमयंती हाथों में वरमाला लिए राजा नल का वरण करने आई तो उन्हें वहां स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए सभी राजाओं में राजा नल दिखाई दिए। तो इस अद्भुत घटना का मंचन हमारे विचार से करना संभव है। संभव है गुरुवर, बस देखते जाइए। हम नहीं मानते। गुरु माता वरुणमाला कृपया मंच पर आ जाएं। ये पंडित रामकृष्ण वरुणमाला क्यों? अब महाराज और गुरुवर, महाराज हमारे कहने का तात्पर्य है यदि कुछ अद्भुत करने जा रहे हो तो सर्वप्रथम महाराज को ही बुलाओ। महाराज को भी बुलाऊंगा गुरुवर, किंतु सर्वप्रथम गुरु माता। अवश्य पंडित रामकृष्ण ने कुछ विशेष पात्र सोचा है। जी महारानी तिरुमलम्बा, हम भी देखने के लिए उत्सुक हैं। लक्ष्मी, मैंने तुम्हारा साथ दिया ना? हाँ प्रियतम, अब हमारा प्रेम समस्त विजयनगर को ज्ञात हो गया है। अब हमारे भ्राताश्री को हमारा विवाह तुमसे ही करना पड़ेगा। क्या तुम सत्य कह रही हो? हाँ अम्मा, इन्होंने गुरु माता को मंच पर क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता। खुद ही प्रश्न पूछ के खुद ही उत्तर दे लियो। प्रश्न हमारा, उत्तर अम्मा का है। चुप कर। लामा कुछ लोचक ही करने जा रहे। सही कहा। ये पंडित रामकृष्ण को महाराज श्री कृष्ण देव राय और राजकुमारी जगन मोहनी को बुलाना चाहिए था। वरुण माला को क्यों बुलाया है? हमें स्वयं जाकर देखना होगा। कृष्ण ने कैसे किया होगा? कोई आ रहा है। विश्राम,